हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सालू पटले। मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ क्वांटम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी क्वांटम संख्या होती क्या है। एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर में है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कक्षक की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉन की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहते हैं, इन सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाली संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन के वे चार अंकों का सेट या समूह जिससे उसकी ऊर्जा स्थिति, कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा प्रदर्शित होती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। तो पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एन का मान 1, 2, 3 से लेकर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है तथा एन यह कोस कक्षा कोस या ऐसे हम कक्षा भी कर सकते हैं कि क्रम संख्या को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम संख्या से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, जैसे सूत्र एन स्क्वायर के द्वारा कक्षकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यदि हम एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, अर्थात एक ऑर्बिटल जो कि एस होगा। और यदि एन इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा, अर्थात 4 ऑर्बिटल जो कि एस के 2 ऑर्बिटल होंगे और पी के 2 ऑर्बिटल होंगे। इसी प्रकार यदि हम एन इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो एन स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, अर्थात 9 ऑर्बिटल होंगे जिसमें एस के 3 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल तथा डी के 3 ऑर्बिटल होंगे। यदि हमें एन का मान पता है तो सूत्र 2n स्क्वायर के द्वारा मुख्य कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि n इक्वल्स टू 1 है तो 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा, अर्थात प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 2 होने पर 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आएगा, अर्थात द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार यदि हम n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 2n स्क्वायर की वैल्यू 18 होगी, अर्थात तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। इसी प्रकार यदि हमें मुख्य क्वांटम संख्या n का मान पता होने पर सूत्र mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई से कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र en इक्वल्स टू 21.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। यह nv कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। यदि हमें यहाँ n की वैल्यू पता है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र rn इक्वल्स टू 0.528 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यह कक्षा की त्रिज्या का सूत्र है। यदि हमें यहाँ n का मान पता है तो हम उस कक्षा की नाभिक से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक हमने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जाना है, मुख्य क्वांटम संख्या कोष या कक्षा की क्रम संख्या दर्शाती है, इसके साथ ही कक्षकों की संख्या भी बताती है। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या से किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षा की त्रिज्या, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसका कोणीय संवेग भी पता किया जा सकता है। दूसरी क्वांटम संख्या है एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसे सब्सिडरी या द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। साथ ही कक्षीय क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, जहां l इक्वल्स टू n माइनस 1 होता है, अर्थात l इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 से लेकर n माइनस 1 तक कुछ भी हो सकता है। चूंकि L उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल्स टू 1 हो तो L इक्वल्स टू 0, अर्थात S उपकोष। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 2 हो तो L इक्वल्स टू 1, अर्थात P उपकोष। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 2 के लिए D उपकोष और तथा n इक्वल्स टू 4, L इक्वल्स टू 3 के लिए F उपकोष होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें कुछ जानकारियाँ देती है, जैसे यह ऑर्बिटलों का प्रकार बताती है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल्स टू 1 हो तो l इक्वल्स टू n माइनस 1, अर्थात 0 होगा, अर्थात s ऑर्बिटल की बात की जा रही है। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 2 हो तो l इक्वल्स टू 1 होगा, अर्थात p ऑर्बिटल की बात की जा रही है। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 3 हो तो l इक्वल्स टू 2 होगा, अर्थात d ऑर्बिटल की बात की जा रही है। इसी प्रकार n इक्वल्स टू 4 हो तो l इक्वल्स टू 3 होगा, इसके लिए f ऑर्बिटल की बात की जा रही है। एजीमुथल क्वांटम नंबर l ज्ञात होने पर सूत्र 2l प्लस 1 के अनुसार किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे l इक्वल्स टू 0 हो तो
2L प्लस 1 के अनुसार एक होगा, अर्थात s सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा। इसी प्रकार l इक्वल्स टू 1 हो तो 2l प्लस 1 के अनुसार 3 होगा, अर्थात p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। इसी प्रकार l इक्वल्स टू 2 के लिए d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे तथा l इक्वल्स टू 3 के लिए f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर l का मान ज्ञात होने पर सूत्र 2 × 2l + 1 के अनुसार किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद की जा सकती है। जैसे L इक्वल्स टू 0 हो तो सूत्र 2 × 2l + 1 के अनुसार 2 प्राप्त होगा, अर्थात S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार L इक्वल्स टू 1 हो तो सूत्र से हमें 6 प्राप्त होगा, अर्थात P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार L इक्वल्स टू 2 हो तो सूत्र से हमें इसका मान 10 प्राप्त होगा, जिससे D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर L का मान पता है तो सूत्र MVR इक्वल्स टू अंडर रूट L L+1 H/2π द्वारा कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जा सकता है। द्विगंसी क्वांटम संख्या से ऑर्बिटलों का प्रकार ज्ञात होता है। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या पता की जा सकती है। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी यह पता चलता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम संख्या। इसकी खोज एलन बेक ने की थी। यह क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को प्रकट करती है। इसका मान प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसका मान प्लस हाफ होगा तथा यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मान माइनस हाफ होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की वृत्ति गति करता है, एक कक्षीय गति, दूसरी परिभ्रमण या चक्रण गति। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के दो कोणीय संवेग होंगे। पहला कक्षीय कोणीय संवेग, जिसे हम PL से प्रदर्शित करते हैं, PL इक्वल्स टू अंडर रूट L L+1 H/2π। दूसरा स्पिन कोणीय संवेग, जिसे हम PS से प्रदर्शित करेंगे, PS इक्वल्स टू अंडर रूट S S+1 H/2π। इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग वास्तव में इन दोनों कोणीय संवेगों का परिणामी होता है। कोणीय संवेग के पदों में क्वांटम संख्या दर्शाई जाती है। इस प्रकार L को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तथा S को स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग J भी एक क्वांटम संख्या से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैक्टर J इक्वल्स टू वैक्टर L प्लस वैक्टर S से द्वारा लिखा जाता है। यदि वेक्टर L व वेक्टर S की दिशा समान है तो वेक्टर J इक्वल्स टू वेक्टर L प्लस वेक्टर S होगा तथा यदि वेक्टर L व वेक्टर S की दिशा विपरीत है तो वेक्टर J इक्वल्स टू वेक्टर L माइनस वेक्टर S होगा। इस प्रकार कुल कोणीय संवेग PJ इक्वल्स टू अंडर रूट J J+1 H/2π होगा। अब हम बात करेंगे चौथी व अंतिम क्वांटम संख्या की, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं तथा इसे M से प्रदर्शित करते हैं। जब एटम बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दोनों वृद्धि गति, कक्षीय गति व चक्रण गति, दोनों ही गति प्रभावित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व उसके प्रभाव को चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं। इसे ML से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इसका मान कक्षीय क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है, इसीलिए M के साथ L को जोड़ा गया है। ML का मान माइनस L से प्लस L तक होता है। यदि L इक्वल्स टू 3 हो तो ML के मान -3 -2 -1 0 1 2 3 होंगे। अब आप चित्र में देख पा रहे हैं कक्षीय क्वांटम संख्या L तथा चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या ML के मानों में संबंध प्रदर्शित है। जैसे कि L इक्वल्स टू 1 के लिए ML के 3 मान प्रदर्शित है तथा इसी प्रकार L इक्वल्स टू 2 के लिए ML के 5 मान प्रदर्शित है। इसी प्रकार L इक्वल्स टू 3 के लिए ML के 7 मान प्रदर्शित है। यह रेखा कक्षीय क्वांटम संख्या L को प्रदर्शित करती है तथा यह रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कक्षीय क्वांटम संख्या L का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेप ML से प्रदर्शित है। चित्र से स्पष्ट है कि L के किसी मान के लिए ML के मान माइनस L से प्लस L तक प्रकट होते हैं। अभी हमने चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या ML की बात की। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनों की
स्पिन भी प्रभावित होती है, अर्थात चक्रण प्रभावित होता है, जिसके प्रभाव को मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ms से प्रकट किया जाता है, जहां ms इक्वल्स टू प्लस हाफ या माइनस हाफ दो मान संभव है। यदि इलेक्ट्रॉन के स्पिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो ms इक्वल्स टू प्लस 1/2 होगी, अन्यथा ms इक्वल्स टू माइनस 1/2 होगी। अब हम बात कर रहे हैं टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mj की। हम जानते हैं कि बाह्यचुंबकीय क्षेत्र किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण दोनों ही गतियों को प्रभावित करता है। बाह्यचुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग तथा स्पिन कोणीय संवेग के परिवर्तनों के परिणामी सदिश को कुल चुंबकीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या mj से प्रदर्शित करते हैं। कुल कोणीय संवेग j का चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में प्रक्षेप mj प्रकट करता है। इस प्रकार mj के मान माइनस j से प्लस j तक हो सकते हैं, यहाँ जीरो को छोड़ दिया जाता है, अर्थात mj इक्वल्स टू 2j प्लस 1। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, यदि j इक्वल्स टू 3/2 हो तो mj इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 प्लस 1, अर्थात चार मान होंगे, जो कुछ इस प्रकार है। mj के मान माइनस 3/2, माइनस 1/2, 1/2 व 3/2 होंगे, यहाँ जीरो को छोड़ दिया गया है। जैसा कि हमने पिछले चित्र में L व ML के बीच संबंध देखा, इसी प्रकार हम इस चित्र में J व MJ के बीच संबंध देखेंगे। यहाँ J कुल कोणीय संवेग, यह लाइन J को प्रदर्शित करती है, तथा MJ टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र B को प्रकट करने वाली रेखा एक संख्या रेखा के समान है, जो कुल कोणीय संवेग के प्रक्षेप अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रकट करती है। अभी तक हमने यह सीखा है, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, वेग, संवेग को बताती है। साथ ही ये एटम के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में सहायक होती है। वेक्टर एटम मॉडल को समझाने के लिए इन क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। आज हमने क्वांटम संख्याओं के विषय में चर्चा की है। आशा करती हूँ कि हम वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।